संसार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कभी आंखें किताब में गुम है तो कभी गुम है किताब आंखों में। ये है जादू शब्द संसार का, जिसमें हम आपके लिए लेकर के आते हैं कोई न कोई ऐसी किताब जिसको हम बताते हैं कि आप पढ़ें, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने वो बुक पढ़ रखी हो और आप समझ रहे हो कि हाँ, हम जो कह रहे हैं वो आपके विचार से कितने मैच करते हैं कितने नहीं। तो आज हम बात करेंगे उसी की, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पे 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। यह है शब्द संसार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 10:15। हम तुम चले हम चले प्यार के सफर में, हम सफर बन चले मिलके एक हो गए मंजिलों पे हो गए पहुंच हम राही मन चले।
चले हम चले प्यार के सफर में हम सफर बन चले मिलके एक हो गए हर मंजिलों पे खो गए कौन हम तुम राही मन चले अभी है वक्त सोच के कदम उठाइए जाइए हमें नमक आजमाइए अभी है वक्त सोच के कदम उठाइए जाइए हमें नमक आजमाइए चले के साथ हम बड़ी ही चाहते न लौट पाएंगे वफा की राह पे हम चले लो गए हर मंजिलों पे हो गए कौन राही मन चले हम तुम चले तुम चले हम चले प्यार के सफर में हम सफर बन चले मिलके एक हो गए मंजिलों पे हो गए कौन हम तुम राही मन चले चले हम तुम चले तुम चले हम चले प्यार के सफर में हम सफर बन चले मिलके एक हो गए मंजिलों पे खो गए कौन हम तुम राही मन चले फिदा हो गए हर मंजिलों पे हो गए कौन हम तुम राही मन चले हम तुम चले तुम चले हम चले प्यार के सफर में हम सफर बन चले मिलके तुम हो गए मंजिलों पे खो गए कौन हम तुम राही मन चले कौन हम तुम राही मन चले जो लोग पढ़ने पढ़ाने के शौकीन हैं आ जाएं इधर हम अपनी भाषा को ठीक करने के लिए क्या करते हैं अगर ये पूछा जाए तो फिर सोचना पड़ेगा क्योंकि भाषा के लिए कह सकते हैं कि वो भगवान की देन तो है नहीं लिखने और बोलने की भाषा के लिए समय समय पर बहुत सारा अभ्यास करना पड़ता है बहुत सारी चीजें हमें समझनी पड़ती है और ये भी हमें पता लगाना पड़ता है कि हाँ हम कहाँ गलत हैं कहाँ सही कौन सा शब्द किस तरह से उच्चारण करना पड़ेगा तो ऐसी ही एक किताब राजकुमार केसवानी की है कशकोल बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी इसको जब भी आपको मौका लगे ना तो इसे आप लीजिए पढ़िए ये कह सकते हैं कि उनका एक नया कारनामा है जहाने रूमी और दास्ताने मुगल आजम जैसी बहुत सारी किताबों के बाद ये किताब यकीनन एक बहुत जरूरी किताब हो सकती है उर्दू अदब के नुमाया किरदारों की जिंदगी के जाने अनजाने सफात को कहीं अकीदत भरे लफ्जों में तो कहीं मौसिकाराना हुनर वाली बंदिश की तरह इस खूबसूरती से बांधा गया है कि हर शब्द एक गीत की तरह दिल में गूंज बन के बस जाता है राजकुमार केसवानी की वुक कशकोल अरमा हुए पूरे दिल के तुमसे मिल के ऐसा लगा तुमसे मिल के अरमा हुए पूरे दिल
जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। छोड़ेंगे अब ना ये हाल, ये जिंदगी गुजरेगी अब हमदम तुम्हारे ही साथ। अपना ये वादा रहा, तुमसे न होंगे जुदा, ऐ मेरी जाने वफा।
मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मैंने अक्सर आपसे ड्रग्स की चुनौती की चर्चा की है। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। सरकार ने एक टॉल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहैबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। मानस के साथ साझा की गई हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें। डॉक्टर साहब, हम अपने बच्चे को दस्त से कैसे बचाएं? रक्षा, रोकथाम और उपचार के साथ बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। खाना पकाने से पहले और शौचालय या मल साफ करने के बाद हाथ साबुन से धोएं। और दस्त हो जाने पर? हर दस्त के बाद बच्चे को ORS का घोल पिलाएं और 14 दिन तक जिंक की गोली दें। समझ गई डॉक्टर साहब। क्या? रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें। बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साढ़े दस हो गए हैं। शब्द संसार में आप हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल के साथ, जिसमें हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी किताबों की जो आपने पढ़ी होगी और कुछ ऐसी किताबें जो हो सकता है कि आपने ना पढ़ी हो, लेकिन जब भी किताबों का जिक्र होता है अच्छा लगता है।
अपना कहा तू है जहां मैं हूं वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। जब गर्मियां आती हैं तो इस वादे के साथ आती हैं कि भाई आम के फल तो जरूर आएंगे, और जब बरसात आती है तो कई सारे लोग सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं कि जब बरसातें आएंगी तब हम आम खाएंगे, क्योंकि तब आम की मिठास कुछ खास होगी। तो उसी से जुड़ी एक किताब सोपान जोशी की पुस्तक मैंगीफेरा इंडिका, भारत के संदर्भ में यहाँ पे जो चाहत है आमों के प्रति वो सब कुछ आपको इस किताब में मिल जाएगा। मंगा ये एक मलयालम शब्द है, इसमें अंग्रेजी का मैंगो शब्द बना, इसी से पुर्तगालियों ने शब्द को अपनाया और वर्ष 1510 में पहली बार पुर्तगीज ने मैंगा शब्द लिखा जो बाद में अंग्रेजी में मैंगो हो गया। इसके अलावा मैंगो से जुड़ी हुई, आम से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को सुनने को मिल सकती हैं। तो फिर देर किस बात की, जाइए लेकर के आइए सोपान जोशी की इस किताब को, बहुत प्यारी है। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम रात भर। तुम तो दिल के तार छेड़ कर सो ही जाओगे, किसका ले लिया है दिल ये भी भूल जाओगे। ये तो कह दो एक बार, ख्वाब में तो आओगे, ख्वाब में तो आओगे। तुम तो दिल के तार छेड़ कर और रात उलझनों में जाएगी, शोख शोख वो अदा हमको याद आएगी, मस्त
के पाएगी। तू तो दिल के तार छेड़ कर सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा, आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा। अब तो बात बात पर दिल भी रूठने लगा। क्या अजब है हर कोई हमको लूटने लगा, हमको लूटने लगा। तू तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम। 10:40 मैंगी फेरा इंडिका। लेखक और रिसर्चर सुपान जोशी ने इस किताब पे 10 साल से ज्यादा रिसर्च किया है, तब जाकर के ये शब्दों का ताना बाना हम सबके सामने आया है। ये वही आम है जिसके लिए कवि कालिदास ने बड़ी तारीफ लिखी। अलेक्जेंडर और चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने इसका स्वाद चखा। मियां मिर्जा गालिब इसके एक्सपर्ट बने और दोस्तों को लिखी चिट्ठियों में उन्होंने कब लगभग 70 तरह के आमों का जिक्र किया। रविन्द्रनाथ टैगोर भी आम के खासे शौकीन थे और उन्होंने आम के बारे में क्या क्या न कहा। तो आम के फूलों की कविता आमेर मंजरी आपने पढ़ी है कभी? नहीं पढ़ी तो फिर निकाल के पढ़िएगा। आम के लिए जितना हम कहें ना उतना कम है, क्योंकि आम आम नहीं है, ये बहुत खास चीज है। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर। तुम तो दिल के तार छेड़ कर तुमको नींद आएगी, तुम तो सो ही जाओगे। तुमको नींद आएगी, तुम तो सो ही जाओगे। किसका ले लिया है दिल ये भी भूल जाओगे। ये तो कह दो एक बार ख्वाब में तो आओगे, ये तो कह दो एक बार ख्वाब में तो आओगे, ख्वाब में तो आओगे। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। तुम तो दिल के तार छेड़ कर अपनी एक और रात उलझनों में जाएगी। अपनी एक और रात उलझनों में जाएगी। शोक शोक वो अदा हमको याद आएगी। मस्त मस्त हर नजर दर्द बन के छाएगी। मस्त मस्त हर नजर दर्द बन के छाएगी, दर्द बन के छाएगी। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। तुम तो दिल के तार छेड़ कर आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा। आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा। अब तो बात बात पर दिल भी रूठने लगा। क्या गजब है हर कोई हमको लूटने लगा, क्या गजब है हर कोई हमको लूटने लगा, हमको लूटने लगा। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर।
चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर तुमको दिल के तार छेड़ कर। अरे अंकल जी, बड़े बड़े स्टार्स ने भी इन्वेस्ट किया है इसमें। यकीन नहीं आता। अंकल जी, मैं आपको उन सब की पिक्चर्स और वीडियोस भेजता हूँ जिनके पैसे 6 महीने में डबल हो चुके हैं। आप तो बस मेरे भेजे हुए लिंक पर तुरंत क्लिक करो। खबरदार, मोटे लाभ के लालच में ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है या आपका खाता खाली कर सकता है। ऐसी कोई भी कॉल आए तो दिल्ली पुलिस को 112 पर तुरंत सूचित करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। NCREP एक्सप्रेसवे के सभी यात्री कृपया ध्यान दें, सड़क की दाहिनी तरफ चलें। कांवड़ यात्री भी सड़क पर होंगे, इसीलिए धीमी गति से और सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए सतर्क रहें। आपकी और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सुरक्षित यात्रा करें। धन्यवाद। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 23 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, दिल पे खींची है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा, खड़े खिड़की पे, खड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। जड़े तेरे नैन बड़े जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े, हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े, सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जान अपनी निकल जाए ये न कहीं, जरा हाँ
कह दे, मेरी जान कह दे, मेरी जान कह दे, जरा हाँ कह दे, जब रैन पड़े नहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े जब रैन पड़े। माना तू सारे हसीनों से हंसी है, माना तू सारे हसीनों से हंसी है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, कभी तू भी हो कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन, पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन, हम वो नहीं जो छोड़ दे तेरा दामन, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे, तू हमारी वफा का एतबार कर ले, तू हमारी वफा का एतबार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, जो अगर आपको किताबों से प्यार है तो फिर ये शब्द संसार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पे एक किताब जो बड़ी प्यारी सी है, प्यारी सी इसलिए कि लगभग 450 पन्ने की इस किताब के अंदर जावेद अख्तर से जुड़े कई सारे ऐसे पहलू हैं जो हो सकता है अब तक हम सबको ना पता हो। और इस किताब का नाम है जादूनामा, जिसके लेखक है अरविंद मंडलोई, उन्होंने इस किताब को लिखा है और इसके जो अनुभव है उसके लिए उन्होंने यही कहा कि रिश्ता तो हमारा इनसे भूख से है, लोगों को लगती है हमें दिखाई देती थी, और उनका जो और जावेद जी का जो एक दूसरे का जो ताना बाना है वो सारी की सारी चीजें इस जादूनामे में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो जब भी आपके पास टाइम हो इन किताबों को लीजिए, जैसे हम राशन खरीदते हैं ना, ठीक उसी तरह से लेकर के आइए, समझिए और फिर देखिए कि आपको ये सब कुछ कितना अच्छा लगेगा। फिलहाल तो हम आपको यही कहेंगे कि अगर आज राखी के दिन हम एक दूसरे को किताबें गिफ्ट करें तो कैसा रहेगा, नॉट एन बैड आइडिया ना। रंग बिरंगी
शब्दों के लिए कहते हैं कि शब्द भी एक भोजन है, अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को भी मत परोसिए। इसी को कहते हैं शब्द संसार। इसलिए शब्दों का जब भी चयन हो तो फिर बड़ी सोच समझ के करना चाहिए। 10:56 हो चुके हैं, गाना होगा, गाने के बाद फिर से समाचार होंगे। समाचारों के बाद हम आपको ले चलेंगे, तस्वीर दिखाएंगे एक ऐसे शहर की जिसे लोग कहते हैं कि बहुत ही सुंदर है, बहुत साफ सुथरा है और बहुत ही शानदार है। शब्द संसार आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। शब्द यही संदेश देते हैं कि प्यार कीजिए किताबों से, प्यार कीजिए प्रकृति से, प्यार कीजिए आपस में और प्यार कीजिए अपने आप से। फिर देखिए कुछ न कुछ ऐसा जरूर निकल के आएगा जिसके लिए कहेंगे भाई वाह क्या बात है।